देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही टेस्टी मक्के के आटे से चटपटा टेस्टी नाश्ता बनाया है। ये बहुत ही हेल्दी होता है, खाने बहुत ही टेस्टी लगता है और फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। और ये आप देख सकती हैं कितना यमी लग रहा है देखने में। तो हम इसको टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ खाएंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मक्के के आटे का टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक कटोरी मक्के का आटा लिया है, एक बड़े साइज का प्याज जिसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, दो चम्मच ऑयल, थोड़ा सा अदरक जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच ऑयल, थोड़ा सा ऑयल हम बचा लेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें डालेंगे हम जीरा, कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और ये हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम प्याज को जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसको हम इस तरह से चलाते ही रहेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ये मक्के का आटा डालेंगे और इसको हम इस तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसमें अच्छे से भून लेंगे और इसको हम इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आटे को मैंने अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें ये जिस कटोरी से मैंने आटा लिया है उस कटोरी से 2 कटोरी हम इसमें पानी डाल देंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी इसमें आप और डाल सकती हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो साथ ही साथ इसमें हम ये नमक डाल देते हैं और ये धनिया की पत्तियां भी डाल देते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इनको जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए, यानी कि कढ़ाई छोड़ने लगे जब तक हम इसको पका लेंगे। और आप देख सकती हैं 2 से 3 मिनट में ही अपने आप से थिक होता जा रहा है। इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह की प्लेट ली है, अगर आपके पास कोई थाली या कोई और प्लेट है तो आप वो भी ले सकती हैं। और इसको अच्छे से हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और ये बैटर अच्छे से थिक हो गया है। आप देख सकती हैं अपने आप से कढ़ाई छोड़ने लगा है। और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और जिस प्लेट को मैंने ग्रीस करके रखा है उसमें ये सारा बैटर हम डाल देते हैं। और इसको अच्छे से हम इस पर फैला देते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर से चिकना कर देते हैं। ये मैंने बैटर को अच्छे से इस पर फैला दिया है और अब हम इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो हम इसको बर्फी का आकार देंगे, आप जिस चाय आकार में इसको कट कर सकती हैं। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे। और अब हम इनके पीसेस को निकाल लेते हैं। तो एक नाइफ की सहायता से इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे और आप देख सकती हैं बहुत ही आसानी से इनके पीस निकल रहे हैं। इसी तरह से हम सारे पीसों को निकाल लेंगे। आप देख सकती हैं कितने यमी लग रहे हैं देखने में। और ये हमारा चटपटा टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार है। आप इसको टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व करें, खाने बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपने देखा इसको बनाना कितना ईजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।